पे न्यू टॉपिक देखेंगे पेज नंबर 66 इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, यानी कि वर्ड आर्ट यानी कि किस तरीके से हमें लिखने का तरीका है और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे हम कर सकते हैं। वर्ड आर्ट इज़ यूज टू इंसर्ट अट्रैक्टिव टेक्स्ट इन द स्लाइड। टू इंसर्ट वर्ड आर्ट टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप। अगर हमें यहाँ पे अपने टेक्स्ट के लिए इसको यूज़ करना हो या फिर इसे ऐड करना हो तो किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। स्टेप वन, क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन, यानी कि हमें यहाँ पे जो रिबन दी गई है ऊपर होम टैब के बाजू में ही यहाँ पे इंसर्ट टैब को हमें यहाँ पे क्लिक करना है। स्टेप टू, क्लिक वर्ड आर्ट फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप। अ गैलरी अपीयर्स विद डिफरेंट वर्ड आर्ट स्टाइल। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है, हमें यहाँ पे बड़ा सा ए यहाँ पे दिया हुआ है जिसके नीचे हमें यहाँ पे वर्ड आर्ट लिखा हुआ है। इसमें से हम यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। हमारा मनचाहा स्टाइल जो है इसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप थ्री, सिलेक्ट द स्टाइल ऑफ योर चॉइस। यू गेट अ वर्ड टेक आर्ट टेक्स बॉक्स ऑन द स्लाइड, यानी कि जैसे ही हम इसमें सिलेक्ट करेंगे तो एक टेक्स बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा, जो फिर उसी तरीके से हम जो भी लिखेंगे तो वो उसी राइटिंग में लिखेगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने रेड कलर का जो अप्लाई किया है हम, ठीक है, तो हमने जो भी चीज़ें लिखी थी जो हमारे ब्लैक में थी वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, रेड कलर में, यानी कि उसी स्टाइल में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। स्टेप फोर, रिप्लेस द टेक्स इन द टेक्स बॉक्स विथ योर टेक्स एंड क्लिक आउटसाइड इट, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और लिख लिया फिर हमें बॉक्स के बाहर पे क्लिक कर देना है, तो इस तरीके से हम अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को लिख सकते हैं। पेज नंबर 67 इंसर्टिंग पिक्चर। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे वर्ड आर्ट के थ्रू जो लिखावट थी उसको चेंज कर दी जो भी हमने लिखा था। अब अगर हमें यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लिखाना हो तो हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव बाय इंसर्टिंग पिक्चर्स। यू मे यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू इंसर्ट अ पिक्चर इन योर स्लाइड शो। पिक्चर फ्रॉम क्लिप आर्ट, पिक्चर फ्रॉम फाइल, यानी कि हम बहुत सारे तरीक़ों से इनको हम दिखा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर अपने स्लाइड शो पे। जैसे कि क्लिप आर्ट एक ऑप्शन आता है उसमें से भी, या फिर हमारे पास कोई पिक्चर पड़ी हो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। इंसर्टिंग पिक्चर फ्रॉम क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट से हम पिक्चर यहाँ पर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 कंटेन ड्राइंग फोटोग्राफ्स साउंड्स वीडियोज़ एंड अदर मीडिया फाइल्स कॉल क्लिप्स दैट यू कैन इंसर्ट एंड यूज़ इट इन टू ए प्रेजेंटेशन। यानी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में हमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है, जैसे कि ड्राइंग करना, फोटोग्राफ्स वगैरह हो गया, साउंड वगैरह होंगे, वीडियोज़ वगैरह होंगे, ये सारे क्लिप्स के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमें एक और चीज़ रिमेंबर में दी गई है, अ क्लिप इज़ एन सिंगल मीडिया फाइल इंक्लूडिंग पिक्चर साउंड एनिमेशन और मूवीज़। यानी कि यहाँ पर जो हमें क्लिप दिखाई जाती है वो एक ही तरीके की होती है, उसी में ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। टू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट ऑन योर स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप। हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप वन, क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। जैसे कि हम वही करते हैं, इंसर्ट टैब भी सब चीज़ों के लिए करते आ रहे हैं, तो उसे हमें क्लिक करना है, जैसे कि आप नीचे विंडो में देख सकते हैं। स्टेप टू, क्लिक क्लिप आर्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप। द क्लिप आर्ट टास्क पैन अपीयर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द विंडो। यानी कि जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे राइट हैंड साइड विंडो पर ये चीज़ हमें दिखाई देगी। स्टेप थ्री, टाइप द नेम ऑफ द पिक्चर यू वॉन्ट टू सर्च इन द सर्च बॉक्स। यानी कि हमें यहाँ पे जो भी चीज़ें सर्च करनी हो तो उस पिक्चर को यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल, टाइप एनिमल एंड क्लिक द गो बटन, यू गेट रिलेटेड पिक्चर्स। अब जैसे कि हमें यहाँ पे एनिमल टाइप किया है तो एनिमल के जितने भी पिक्चर्स होंगे वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे, यानी कि हमें दिख जाएंगे। स्टेप फोर, क्लिक ऑन द पिक्चर यू वॉन्ट, हमें इसमें से जो पिक्चर चाहिए उसे हमें क्लिक करना है। तो पिक्चर गेट इंसर्टेड ऑन अ स्लाइड, वही पिक्चर हमारे स्लाइड पे आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पे नीचे दो विंडो दिखाया गया, हमने इधर एनिमल लिखा, एनिमल में दो पिक्चर है, एक रैबिट की और टाइगर की। तो इन्होंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, टाइगर के। जो जैसे इन्होंने टाइगर पे क्लिक किया तो टाइगर की जो पिक्चर है वो यहाँ पर पूरी स्क्रीन पर आ गई। नोट दैट ग्रीन डॉट बिसाइड द पिक्चर अपीयर व्हेन यू सिलेक्टेड, यू कैन रोटेट द पिक्चर यूजिंग इट। यानी कि हमें एक ग्रीन कलर का डॉट दिखाई दे रहा है पिक्चर के ऊपर, तो इसकी मदद से हम उसे टेढ़ा करना चाहें या फिर जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में हम उसे रखना चाहें तो हम वो भी हम आसानी से रख सकते हैं। नंबर 68, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमने पिक्चर लगाई थी टाइगर की, तो यहाँ पे हम इसे कैसे डायरेक्शन दिशा बदल सकते हैं इसकी। यू कैन रिसाइज और प्लेस द पिक्चर एट एनी प्लेस इनसाइड द स्लाइड। टू रिसाइज अ पिक्चर, क्लिक ऑन द सर्कल एंड डॉट एट द सर्कल कॉर्नर ऑफ द पिक्चर, नाउ ड्रैग इट इन द डिजायर डायरेक्शन। जैसे कि हमें यहाँ पे एक डॉट सर्कल दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसे हमें क्या करना है, ऊपर नीचे करना हो या जिस डायरेक्शन में डालना हो
तो वो भी हम आसानी से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम पिक्चर्स का यूज़ करके भी हमारी चीज़ें वो अच्छे से स्लाइड्स बना सकते हैं।